आपने मुझे उठाया नहीं। तुम सो रही थी यार, सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। अच्छा मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं नहीं मैं ऑफिस से कर लूंगा, बल्कि आज रात को डिनर में ना अच्छे से दाल चावल बना। रोज हैवी खाना खा के दिल अजीब सा हो जाता है। पता है आज ऑफिस से आने के बाद ना बहुत सारा सोऊंगा मैं, इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हुई। जी ये क्या जी जी लगा रखा है, वैसे तो पटर पटर बोलती रहती थी। ऑफिस के लिए देर हो रही है यार, शाम में मिलता हूं, खुदा हाफिज। अर्शद जैसे ही मैंने उसको रात के खाने में दाल चावल बनाने के लिए कहा ना, उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब मजा आएगा। उसको तो पक्का यकीन हो गया कि मैं उसकी बर्थडे भूल गया हूं। और आपको पता है मैंने भी मिशी को इस बार विश नहीं किया, वरना मैं हर साल 12 बजे विश करती हूँ उसे। बहुत नाराज होगी वो हम सब से। मैंने तो अम्मी और आप ही को भी विश नहीं करने दिया। अरे ऐसा क्यों किया, अगर उसे शक हो गया तो? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, उसे गुस्से में कुछ याद नहीं रहता। देख लेना यार, अपने चक्कर में मरवा नहीं देना मुझे। पर पता है ना उसको मनाना कितना मुश्किल है। ये आपसे बेहतर कौन जानता है। 2 बज गए, चलो मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं क्यों उन्हें फोन करूं, क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज मेरी बर्थडे है? बैठे होंगे ऑफिस में या किसी मीटिंग में होंगे। और ये उमायमा, उमायमा की बच्ची तो हर वक्त उनके साथ रहती है, मगर मेरी बर्थडे का कुछ भी नहीं बताया उसने। मियाँ बीवी तो ऐसे छोटे छोटे मौके तलाश करते रहते हैं ताकि एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। फिर हाइसम को मेरा स्पेशल डे क्यों याद नहीं रहा? हेलो, हैप्पी बर्थडे मशर। देखो मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था, तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो।